नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों का जो डाउट है मैं वहाँ यहाँ पे लेने वाला हूँ, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला डाउट है आप सभी का कि सर यह रिजल्ट कब तक आएगा। इस रिजल्ट का मैं प्रोसेस बता दूंगा अभी। रिजल्ट जो DLED का एग्जाम हुआ है अभी ना, इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। DLED यह रिजल्ट कब तक आएगा, अब रिजल्ट की बात तो हो गई अभी करता हूँ। इसके बाद बच्चों का यह डाउट है, प्रशिक्षुओं का, मैक्सिमम प्रशिक्षुओं का, कि सर जो थर्ड सेमेस्टर के हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे। सबसे बड़ा डाउट होगा इसका। मैं अभी प्रोसेस बताता हूँ किस प्रकार से कापियाँ आपकी जाती हैं और किस प्रकार से चेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, मैं अभी इसको डिटेल में चर्चा करता हूँ। दूसरा जो आपका यह कहनाम है कि सर यह बता दीजिए कि जो थर्ड सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे, चाहे वह 2021 बैच के हों, चाहे 2019 बैच के वह बच्चे हों जिनका थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा हो, या फिर वह 2022 बैच के बच्चे हों। तो थर्ड सेम और फर्स्ट सेम के एग्जाम कब तक हो सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ हो सकते हैं, मैं एग्जैक्ट ईयर डेट तो नहीं बता सकता क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी अभी डेट नहीं बता सकता, बस एक प्रिडिक्शन है जो आपको समझ बनाने हैं, ठीक है ना। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा डाउट है बच्चों का कि जो सर तीन बार वाला बैक वाले बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए क्या कुछ सूचना है 3 जनवरी तक, है ना। तो देखिए 3 जनवरी को आपके लिए जो तीन बार बैक वाले बच्चे हैं, मतलब किसी एक सेमेस्टर में तीन बार बैक वाले, उनके लिए क्या कुछ सूचना है, क्योंकि एससीईआरटी ने इनके तरफ से एक तरह से कह लीजिए कुछ चीज़ें, मतलब कि कुछ पहल दिखाया है। अब उस पहल को हो सकता है इनके लिए पॉजिटिव आ जाए, अगर पॉजिटिव आता है तो आपके पक्ष में फैसला आएगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। और दूसरी तरफ सीटेट के एडमिट कार्ड आज से निकलना शुरू हो गए हैं। सीटेट के एडमिट कार्ड, जिन बच्चों का 28 को एग्जाम है एडमिट कार्ड, उनका आज से निकलना शुरू हो गया है, आज से यानी कि 26 तारीख से निकलना शुरू हो गया है। जिनका 28 को एग्जाम है उनका 2 दिन पहले निकलेगा, यह चीज़ें उसमें मेंशन भी थी। तो 26 तारीख से आपके एग्जाम, मतलब कि एक तरह से एडमिट कार्ड आने लग गए हैं। और जो तीसरी बात है, मतलब नेक्स्ट बात है कि यूपी टेट में कौन बच्चे बैठ सकते हैं, क्या बैक वाले बैठ सकते हैं, क्या बिना बैक वाले बैठ सकते हैं, क्या तीन सेमेस्टर वाले बैठ सकते हैं, मतलब जिनका बैक है। तो इस तरह के आ रहे हैं आपके कमेंट थोड़े से, तो मैं इस पर बता देता हूँ। और कब इसके एग्जाम हो सकते हैं, मतलब कब इसके फॉर्म आएंगे। देखिए कुछ लोगों का कहना है कि दिसंबर लास्ट में आ जाएगा, मैं भी सोच सकता हूँ भाई कि आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। हो सकता है कोई दिसंबर लास्ट तक निकालें एग्जाम, मतलब एक तरह से नोटिफिकेशन निकाल दें 2022 के अनुसार, 2022 को कह के निकाल दें और उसका एग्जाम नेक्स्ट मिले। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी एक देखें ना, तो नहीं लग रहा है कि जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, मतलब 4 दिन में अगर निकालना होता तो शायद कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जरूर आ जाता उसके लिए, उसके रिकॉर्डिंग तो लेकिन अभी उसके रिगार्डिंग कुछ भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम यही मान के चलेंगे कि जो भी फॉर्म आने वाला है किसका, यूपीटेट का, वो आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है, फरवरी या फिर जनवरी के एंड तक देखने को मिल सकता है। अब जब भी फॉर्म आएगा उस तब तक तो सबको पता है कि एक महीने तक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन बच्चे करेंगे अपना, इसके बाद ही एक महीने तुरंत बाद ही कह लो एक महीने, मतलब आज फॉर्म आ गया तो एक महीने तक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर जब क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद डेट, एक महीने के बाद डेट आपके सामने होगा, जिस दिन क्लोज होगा उसके से लेकर एक महीने तक बच्चों आपके, मतलब एक महीने मिलेंगे फॉर्म के क्लोज से लेकर आपके एग्जाम के समय तक, एक ही दिन एग्जाम होंगे इसके यूपीटेट के। और ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन, मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी एक तरह से प्रोसेस हो, इनको गुजरने से पहले, किसी प्रोसेस से गुजरने के पहले उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए इनको। और मे भी अगर ये कुछ ऐसा देते हैं, अभी तक तो हमारे पास यही संज्ञान में है हम लोग के कि ऑफलाइन होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ करते हैं तो पहले से ही इन्फॉर्मेशन देंगे बच्चों, ठीक है ना। सारे बच्चे सीटेट में बैठेंगे इस बार, तो सभी को पता चल जाएगा कि हाँ ऑनलाइन एग्जाम कैसे होते हैं। जो नए बच्चे हैं वो भी बैठेंगे और जो पुराने हैं तो खैर उनकी बात ही नहीं है, है ना। तो यह रह गया, और सीटेट के बारे में भी से हमने बात कर लिया। और यूपीटेट में वही बच्चे बैठ पाएंगे, देखिए जिनका बैक लगा है वो भी यूपीटेट, उनका भी वैलिड होगा, और जिनका बैक नहीं है तो खैर वो तो वैलिड ही होगा उनका। तो कोई बच्चा हो, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 2022 बैच वाला भी बच्चा है तो भी इसमें बैठ सकता है, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो। दूसरी बात है बीएड वाले बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, बिल्कुल भर सकते हैं, बीएड वाले बच्चे भी भरेंगे इस फॉर्म को। लेकिन अगर मान लीजिए इनके विपक्ष में 1% भी फैसला ऐसा होता है कि इनके विपक्ष में आए फैसला कोर्ट का, तो इनको एक तरह से उससे मतलब एक तरह से उनको निकाला भी जा सकता है उससे, है ना, दरकिनार भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन बहुत कम आशाएं हैं कि बीएड के खिलाफ फैसला आएगा, क्योंकि सारा भविष्य बीएड का है,
तो इस चीज़ को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी पक्ष में ही सुनाने वाली है। इस चीज़ को अभी हम नहीं चर्चा करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं बात कर लेता हूँ पहले डीएलएड रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, डीएलएड रिजल्ट सभी को संज्ञान में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो डीएलएड का रिजल्ट है भाई वो एग्ज़ाम से 3 महीने के बाद आता है। एग्ज़ाम क्लोज हुआ आपका 24 तारीख को क्लोज हुआ, 24 को क्लोज होता है और यहाँ पर आपके एग्ज़ाम की मैं बात कर लूँ तो लगभग मतलब रिजल्ट की बात कर लूँ तो 26 यानी कि जोड़ लीजिए कि 3 महीने। अगर मैं दिसंबर ख़त्म भी मानूँ तो दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च मार्च तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं। अगर मार्च तक रिजल्ट आ सकते हैं तो मार्च के बाद 3 महीने जोड़ सकते हो। अभी मैं तो बहुत ज़्यादा बोल दिया कि बहुत सारे बच्चों को यह मन में लगेगा कि क्या रिजल्ट आते ही सर एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, रिजल्ट आते ही एग्ज़ाम शेड्यूल वो कर सकते हैं, तो मे बी आपके एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएं तो बेटर रहेगा, है ना। ये चीज़ें हर 6 महीने पे एग्ज़ाम होने चाहिए, कराने चाहिए, लेकिन इनका शेड्यूल कभी डिस्टर्ब हो जाता है, कभी एग्ज़ाम ले लेते हैं उस समय, कभी नहीं ले पाते हैं। ये चीज़ें इनके ही खिलाफ़ मतलब अपने ही खिलाफ़ यह चीज़ों को लाते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दिया इस बार कि जो डीएलएड के बच्चे ऐसे हैं पार्ट वन वाले, मतलब कि इस बार पिछली बार आपने देखा था कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सारे बच्चों के बैक वाले जो थे सभी का एग्ज़ाम हुआ था, लिया गया था। लेकिन इस बार नहीं ऐसा हुआ, इस बार ऐसा भी नहीं हुआ कि दो दो एडमिट कार्ड वो रिलीज करें, नहीं, उसी एडमिट कार्ड पे बैक वाला भी बच्चा गया था देने पेपर। पिछली बार 2 एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे, समझ रहे हैं ना। तो जैसे इस बार अभ्यर्थी परेशान भी था थोड़ा सा कि सर इस बार बैक वाला एडमिट कार्ड भी नहीं मिला है मुझे, है ना। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें देखेंगे। और रह गई बात जो एग्ज़ाम है रिजल्ट के कितने दिन बाद होगा यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनको जल्द ही हम लोग प्रेशर करेंगे कि भाई एग्ज़ाम ले लिया जाए। बच्चों की तरफ से भी प्रेशर होता है, जैसे कि आप देखते रहते हो रिकॉर्डिंग आता रहता है हर समय, सचिव सर से कोई बच्चा बात कर रहा है तो उनको एक तरह से प्रेशर ही तो किया जा रहा है एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन अगर वह सरकार को प्रेशर कर दे, सीआरटी को प्रेशर कर दें तो हमारा काम आसान हो जाए, लेकिन वो करते नहीं हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो परेशानियाँ उनको रहती हैं। खैर ठीक है, तो आपको पता चल गया सीटेट के एडमिट कार्ड कब आएंगे बच्चे, 2 दिन मतलब आज से निकलना शुरू हो गए हैं, इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है ना। और यूपीटेट की बात कर लें तो यूपीटेट के फॉर्म आपके सामने आएंगे। अभी मैं क्लासेस की बात करता हूँ यूपीटेट के। डीएलएड के रिजल्ट के विषय में चर्चा होगी बच्चों, आपको पता है कि एग्ज़ाम के बाद, जैसे देखिए आपके एग्ज़ाम खत्म हो चुके, एग्ज़ाम खत्म होने के लगभग कुछ ही दिन बाद मतलब 2 से 4 दिन बाद 6 दिन बाद एक नोटिफिकेशन या फिर ऐसे ही आ जाता है कि अभी कापियां डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होने लगी, मतलब कि कापियां जहां जहां पर ट्रांसफ़र होने हैं वो ट्रांसपोर्ट होने लगा, आपकी कापियां जहां पर जाने चेक होने वहां पर जाने लगी। और एक चीज़ और दिमाग में रख लेंगे बच्चों, थोड़ा सा केयरफुली तरीके से वो चीज़ों को देखेंगे, हैंडल करेंगे कि आपकी हर एक कॉपी बहुत ही मतलब कि समझ लो कोई भी संदिग्ध भी रहेगा ना, संदिग्ध अपराधी जिसे बोलते हैं, वो भी चीज़ों को बहुत कम चांस होते हैं कि पकड़ पाए, समझ रहे हैं ना। बहुत उसके लिए बहुत ज़्यादा टकराव वाला सोर्स से ये होता है कि भाई अपनी सारी कापियाँ वो निकलवा के चेक करवा लें, ऐसी कुछ नहीं होता बच्चों। एक अभ्यर्थी बोल रहे थे तो मैंने बोला है ना, तो चीज़ें जो जिसके पास ज़्यादा पकड़ होती है वह एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 कापियाँ अपना चीज़ें, है ना, समझ रहे हो। इसके लिए भी सरकार के विपक्ष में आप जाते हो, इसके लिए आपको कुछ भी कार्रवाई हो सकती है, कभी भी हो सकती है। लेकिन लोग जो होते हैं सावधानी पूर्वक करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हर समय होता है, हर जगह होता है, है ना, हर डाइट पे होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो ये चीज़ें। लेकिन हर कापी नहीं हो सकती, इसका कारण यह है कि जैसे कि मान लीजिए आपकी एक कापी मैथ वाली है और इंग्लिश वाली है और हिंदी वाली है, तीनों कापियाँ आपने पेपर में आपको मतलब एक गलत हुआ है, तीनों आपके पेपर गलत गए हैं, तो अगर मान लो जिसका पकड़ अच्छा है तो कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा दो कापियों वो आपका कर सकता है, क्योंकि आपकी सारी कापियाँ अलग अलग डाइटों पर जाती हैं, इस वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अपने पे विश्वास रखेंगे, जो होगा अब रिजल्ट बताएगा आपका कैसा रिजल्ट आने वाला है। तो मिनिमम मतलब कि कापियाँ चेक होने में 15 या 17 दिन लगते हैं, कापियाँ चेक होकर उसके बाद वो चीज़ें वहाँ पर मीटरिंग होती हैं, मीटरिंग के बाद वो आता है फाइनली आपके डाइट पर आता है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे सारे बच्चों का मैचिंग किया जाता है कि हाँ हर एक कापियाँ यहाँ से चढ़ा दी गई हैं फला फला जगह से। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके प्राचार्य मतलब आपके डाइट के जो हेड होंगे, जैसे HOD हो गए आपके ब्रांच के, तो वह चेक करेंगे, हाँ बाबू से बात करेंगे, हाँ इतनी इतनी चीज़ें मतलब सारे बच्चों के जो डाटा हैं आ चुके हैं हमारे पास, सबका हम यहाँ से चढ़ा देते हैं। जैसे वो नेट पर डालते हैं तुरंत सचिव के पास जाता है, सचिव वहाँ से उसको हैंड ओवर कर देते हैं बेटा, जैसे ही मतलब वहाँ से हैंड ओवर हो जाता है सचिव के पास, ऑनलाइन तरीके से सचिव के पास हैंड ओवर होता है, सचिव उससे क्या करते हैं, सचिव के पास हैंड ओवर होते ही सचिव अपना उसको एक तरह से इजाज़त दे देते हैं, भाई सबका डाटा शो होने लगता है। वही रिजल्ट का पूरा प्रोसेस कर लें तो लगभग 1.5 महीने के अंतर में हो जाना चाहिए,
देखिए ये लोग कितना विलंब कर देते हैं बच्चों, कापियां चेक कराने में, डिस्ट्रीब्यूशन में इधर दिक्कत कर देते हैं, इधर डिले कर देते हैं, उधर प्राचार्य लोग भी सुस्त हो जाते हैं आपके, तो इस वजह से थोड़ी सी डिले हो जाती है और कापियां 3 महीने के बजाय 3.5 महीने 4 महीने ऐसे चला जाता है ना। तो थोड़े से हमको देखने, क्योंकि कुछ डाइटें इतनी है ना, जैसे कि आपका मुजफ्फरनगर का क्या नाम है यार, एक डाइट है बहुत ज़्यादा सुस्त बिल्कुल सुस्त रहती है, जैसे मेरठ डाइट भी थोड़ी सी सुस्त चलती है, और बच्चे सबसे ज़्यादा डिले करती है यार क्या नाम है, जो आपका चूड़ियों का नगर कहा जाता है बच्चों, क्या नाम है देखो बताना जरा अगर याद हो तो, वो नाम तो नहीं याद आ रहा, और एक इत्र नगरी वाला है ना, तो यह दो हैं, दो तीन डाइट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिले करते हैं, सबसे डिले यही इन्हीं की आती है, प्रोसेस में होता है, इस वजह से आपका रिजल्ट भी डिले हो जाता है। अब देखिए हो सकता है आपके एग्ज़ाम तुरंत शेड्यूल हो जाए रिजल्ट आते ही, या फिर हो सकता है बेटा कुछ महीने के बाद थर्ड और फर्स्ट के एग्ज़ाम कराए जाए। अब कुछ बच्चों का यह कहना है कि थर्ड और फर्स्ट का मेरा बैक है तो क्या मैं आने वाले वैकेंसी में बैठ पाऊंगा, जो मेरी वैकेंसी की तो चर्चा ही नहीं हुआ है, तो आप घबराएं नहीं, लेकिन यह है पूरा अनुमान कि अप्रैल तक कुछ न कुछ जरूर, अप्रैल से काम होना स्टार्ट हो जाएगा वैकेंसी पे, अप्रैल से काम होना शुरू हो जाएगा, और आपके जो एग्ज़ाम लगेंगे ना वह मई जून, मतलब मई जून तक हो सकता है वैकेंसी आ भी जाए अगर आनी हो तो निश्चित रूप से, और इसके बाद आपके एग्ज़ाम बहुत जल्दी करा लेंगे, क्योंकि 2024 में मार्च में आचार संहिता लग जाएगा, उसके पहले पहले एग्ज़ाम वगैरह कराकर बच्चों को फांस दिया जाएगा, और बहुत सारे वैकेंसी आएंगे, घबराने नहीं है, रेलवे वगैरह में भी आएंगे, तो आप लोग लगे रहना। और तीन बार बैक वालों के बच्चों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी यहाँ पर निकल के आ रही है कि भाई ये जो बच्चे हैं है ना, थोड़े से इनके पक्ष में SCERT भी खड़ी हो चुकी है, तो काउंटर फाइल की है भाई इनके पक्ष में, तो हो सकता है कि जो 3 जनवरी को रिजल्ट आए इनके पक्ष में आए, हो सकता है क्या, आना भी चाहिए, और हमें सपोर्ट करने हैं बच्चों के, क्योंकि देखिए हमें पूरा का पूरा सपोर्ट करने इन लोगों के, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कोर्ट हो चाहे देश हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, किसके लिए काम कर रहे हैं भाई ये लोग, या बच्चों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, हमारे अपने देश के हित के लिए तो काम कर रहे हैं। तो बताओ जरा सा, अगर बच्चे ने थोड़ी सी गलती की, मान सकते हो रूल का उल्लंघन हुआ हो रहा है यहाँ पर, लेकिन कुछ रूल तो इंट्रोड्यूस कराकर बच्चों को पास कराया जा सकता है भाई, जहाँ पर चीज़ें बिगड़ रही हो ना उसको बनाकर फिर उसको सही किया जा सकता है। अगर एक गलती बच्चों की माफ़ कर दी जाए, माफ़ क्या, एक बार उनको और मौका दे दिया जाए, तो उनकी भी मनवाली हो जाएगी और हमारा भी मनवाला हो जाएगा, और जिनका एक सेमेस्टर में 3 बार बैक है और अदर में भी बैक है, तो उनके लिए भी कुछ न कुछ, उनके लिए बता, उन्हीं के कारण ही तो ये विवाद खड़ा हुआ है ना, जो कोर्ट केस हुआ था ये बस यही कारण था, लेकिन वह दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा, तो अदर बच्चों का जो एग्ज़ाम भी दे लिए थे 3 बार बैक वाले, उनका भी रिजल्ट रोक दिया गया है ना, तो इस पर भी स्टे लग गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पक्ष में आ रही हैं, और इतना मान के चलना है कि कोई भी देश हो, कोई भी न्यायालय हो, अपने देश के बच्चों के लिए, अपने राज्य के बच्चों के लिए वो अनहित नहीं चाहेगा, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। थोड़ा सा हो सकता है 1-2 हेयरिंग्स और हैं, ये करीब बार फाइनल नहीं होता है, तो आगे आने वाले 1-2 हेयरिंग्स में निर्णय जरूर आएगा और हमारे पक्ष में ही आएगा बच्चों, बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है ना, क्योंकि SCERT भी आपके आपके पक्ष में कोर्ट मतलब कि एक तरह से फाइनली वह अपील की है ना, समझ रहे हो ना, तो 3 बार बैक वाले बच्चे खुश हो जाओ, और यह सारी की सारी चीज़ें रही जो मैंने आपको बताया, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं तो यही सोचता रहता हूँ बच्चों के डाउट आ जाए, और आप सभी के लिए UPTET के क्लासेस लगा दिए गए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में भी सारे UPTET के क्लास दिए गए हैं, सारे बच्चे के दे सकते हैं UPTET, कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन लग जाना UPTET, अगर UPTET के लिए अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए ना तो SuperTET का 70% चीज़ तैयार हो जाएगा, निश्चिंत रहेंगे फिर आप, तो जिस प्रकार से हम पढ़ाए हुए हैं सारे सिलेबस कंप्लीट हैं, अभी 12 बजे क्लास आएगा बच्चों, उसको मैथ प्रैक्टिस डेली चलेगा SuperTET UPTET का, ठीक है ना, तो उसको आप दीजिए 15-20 लेक्चर लेकर आने के बाद, प्रैक्टिस कराने के बाद फिर मैं बेसिक फिर से मैथ का स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना, धन्यवाद, आप सभी लोग सपोर्टिव बनिए, और प्लीज़ 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 आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी टेंशन छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, मस्त तरीके से केवल और केवल पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बनाइए, क्योंकि आगे 1 साल बस लग जाओ 2024 तक, मे बी आपको एक जॉब मिल जाए, धन्यवाद।